subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा पाकिस्तान दौरा रद्द करने पर बखलाए पाकिस्तान ने इसका पूरा इल्जाम भारत के सिर पर मढ़ दिया है। वहीं अपने भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चित फवाद हुसैन को भी बेतुके बयानबाजी करने का एक और मौका मिल गया, लेकिन इस बार फवाद का जो बयान सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। दरअसल उन्होंने भारत पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों को धमकाने का आरोप लगाया है। फवाद का कहना है कि भारत ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की धमकी दी, जिसके बाद ही उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये दावा करते हुए कहा है कि कुछ जानकार स्पोर्ट्स कमेंटेटर्स ने मुझे ये बताया है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को पाकिस्तान दौरे पर जाने से इनकार नहीं करने पर आईपीएल से निकालने की धमकी दी है। ये वाकया बहुत ही घटिया हरकत है। इतना ही नहीं, फवाद ने भारत में राष्ट्रवादी भावना को चरम पर पहुंचने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खेल से लेकर अंतरिक्ष तक कट्टर राष्ट्रवाद कुछ ऐसा छा गया है जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए। भारतीय अधिकारियों की ये घटिया हरकत है। आपको बता दें कि फवाद का ये बेतुका बयान उस वक्त सामने आया जब श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया, जबकि पाक खुद इस कारनामे का जिम्मेदार है। अगर साल 2009 में पाकिस्तान में खेले जा रहे क्रिकेट मैच के दौरान श्रीलंकाई टीम पर आतंकवाद हमला नहीं किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान को अपने नापाक इरादों का इल्जाम भारत पर नहीं लगाना पड़ता। टीम खबर अपडेट।